दरभंगा में एक बार और खानका चौक सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि खानका चौक के पास एक व्यक्ति की विगत 10 दिनों से तबीयत खराब थी और उसे छुपा लिया गया था, लेकिन बाद में पटना में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए और शनिवार की देर रात उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद दरभंगा खानका चौक के पास हड़कंप मच गया है। उनकी लाश को लाने की प्रक्रिया की जा रही है। वार्ड 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा हालांकि इस बात की पुष्टि की है कि व्यक्ति की मौत हो गई है और वो दरभंगा उनके शव को लाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया गया है। मैं कोरोना से यह छठी मौत, शहर में ये तीसरी मौत की घटना है। खानका चौक के रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना से पटना में मौत हो गई है। शव आने का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद उसके शव को दरभंगा लाने एवं उसके दाह संस्कार के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया है और वहीं प्रभावित इलाके को सील करने की तैयारी स्थानीय पार्षद और जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। गौरतलब है कि मृतक को 10 दिन पूर्व गंभीर अवस्था में पटना एम्स भेजा गया था, जहां जांचोपरांत वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शनिवार की देर रात उनकी मौत हो गई। वहीं पार्षद मधुबाला सिन्हा ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा, उनके शव को दरभंगा लाकर दाह संस्कार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आपसी बातचीत और सुरक्षा को मानक रखते हुए शव को दफनाने की प्रक्रिया प्रशासन एवं स्थानीय पार्षद के द्वारा की जा रही है। प्रशासन को सूचित करते हुए प्रभावित इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। हम बता दें, दरभंगा में इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है। जब घर के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं और वो इलाज के लिए जब स्थानीय क्लिनिक जाते हैं तो उन्हें पटना भेजा जाता है और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। उनके परिजनों को जांच के बाद नेगेटिव आए जाने से उनके आसपास खुशी की लहर है। अब उनकी तबीयत भी ठीक हो चुकी है।